बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लड़कियों के साथ ही छेड़खानी और अत्याचार को लेकर मचे बवाल की आग अब इलाहाबाद पहुंच गई है, जहां पर सुभाष चौराहे पर AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के कार्यकर्ताओं ने मोदी और योगी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सुनिए पार्टी कार्यकर्ता ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए क्या मांग की है। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन युवा इकाई की टीम ने इलाहाबाद के सुभाष चौराहे पे एकत्रित होकर के BUCU में जो घटना घटी उसको लेकर के प्रदर्शन किया। BUCU में इतनी शर्मनाक घटना घटी है और माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, शौचालय की बात करती है, इन्हीं के आदमी BHP में जाकर घिनौनी और अश्लील हरकत करते हैं और हद तो सब पार हो गई। जो जिसने इस तरीके की अश्लील हरकत की है उस पर ना कार्रवाई करके मासूम छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया है, ये बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। देश के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। हमारी तहजीब हमारी संस्कृति महिलाओं का मान सम्मान का आदेश देती है, ये मोदी सरकार इस तरीके से महिलाओं पे जो घिनौनी हरकत की है बहुत दुख और अफसोस की बात है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मांग करती है, जो भी लोग इस पे दोषी हैं, चाहे शासन के लोग हो प्रशासन के लोग हो और जो इसके अलावा जो लोग हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता का एकजुट होकर के जो BHU के अंदर छात्राओं का अश्लील हरकत उनके साथ किया गया उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया गया। वो प्रदर्शन कर रही थी शांति तरीके से, लेकिन शासन प्रशासन के लोग जाकर उनके जिस तरीके लाठीचार्ज किए हैं ये बहुत ही घृणापूर्ण हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोषी हैं, सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो BC हो, चाहे शासन के लोग हो, चाहे प्रशासन के लोग हैं। और प्रदर्शन ऐसा करने की नौबत क्यों आई, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बताते चले आपको कि BHU मामले में लड़कियों पर लाठीचार्ज को लेकर योगी और मोदी सरकार की चौतरफा आलोचना की जा रही है।